अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज चांद रात का दिन था और हम बकरा मंडी के हमने कहा ईद के लिए बकरा वगैरह ख़रीद लें जी। हम पहले पहुँचे हैं एक मंडी में, शोर रोड कैंट की मंडी में। यहाँ पे तो बस थोड़े बहुत बकरे थे, उतने को ख़ास बकरे नहीं थे और मंडी खीर किस्म की थी। ऐसी जिस बकरे को हाथ लगा 70,000 80,000 70,000 80,000 लाख। फिर हमने एक एक मारी और हम पहुँच गए जी पीर महल शहर की बड़ी मंडी। ये देखें मंडी के बरूनी नज़र आ, बिलाल और आसिफ साहब मंडी के अंदर एंट्री दे रहे हैं। मंडी के बारों बार ठेले लगे होते हैं, जूस पानी लंगर ये वो पापड़ शापड़ उरलम पुरलम। नहीं जी, ये मंडी के अंदर के मनाजर आपको दिखा रहे हैं। मंडी के अंदर हलचल पलचल, शोर शराबा, जानवर ये वो, बोलियां, सौदे, व्यापारी, दुनिया आगे पीछे, यानी कि एक बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है। एक बंदा लेने के लिए आया हो जिसने अल्लाह की राह पे देना, और एक बंदे ने सारे साल मेहनत की, उसको पाला पोसा और वो बेच के अपना रिजक कमाने के लिए आया। बारा ये एक हमारा त्यौहार है मुसलमानों का, इसमें मनाते हैं और बड़ी खुशी से मनाते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग बातें करते हैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये त्यौहार के अंदर बहुत सारे लोगों का कारोबार जुड़ा होता है। पता नहीं अरबों खरबों लोगों को गोश्त मिलता खाने को फ्री में, ठीक है, और चमड़े का कारोबार चलता रहता है। उसके अलावा व्यापारी कारोबार करते हैं, जानवर पालते हैं, वो पैसा कमाते हैं। मतलब एक एक अजीब सा सर्कट चल जाता है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, जिससे पूरा साल आने वाला साल भी काम चलता रहता है, होता रहता है। ये देखें जी, ये कुछ हम भी सौदेबाजी कर रहे हैं लेकिन बात बन नहीं रही। ये देखें ये फ़ोन शोन घुमा रहे हैं जी, बकरों के ये रेट हैं फलां 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 फलां, लेकिन कोई बात बन नहीं रही, कोई मज़ा आ नहीं रहा, कोई समझ लग नहीं रही। आसिफ साहब घूम रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन ये देखें इधर बड़े जानवर हैं, छोटे जानवर और बड़े जानवर, पहल चहल गहमा गहमी। देखें जी बिलाल साहब दांत चेक कर रहे हैं, बकरा धोंदा कि खीरा कि केड़ा। ये लें जी, हम यहाँ से बकरा ले कर वापस जा रहे हैं, रिक्शे में लोड करके रात को 3 बकरे लिए हैं और ये हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।